नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी एक बार फिर पहुंचा हुआ है यूके ट्रिपल SC, जहां पर कई दिनों से जो युवा साथी थे लगातार मांग कर रहे थे, लगातार मैसेज कर रहे थे कि यूके ट्रिपल SC जाओ, और कई प्रश्न थे उनके मन में जिनका जवाब भी आज आपको मिलेगा। और जितने युवा जुड़ते रहेंगे अपने सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि लगातार कई युवा ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, कई लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और कई लोगों के मन में रिजल्ट्स को लेकर, आने वाले एग्जाम्स को लेकर, आने वाली किस तरीके से भर्तियां होने वाली हैं उसको लेकर कई सवाल हैं। पर अहम सवाल ये भी है कि किस तरीके से आयोग देख रहा है, क्योंकि कई लोगों के कई सवाल हैं, और किस तरीके से परिणाम घोषित होने हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सचिव साहब हैं संतोष बड़ूनी जी, जो सारे सवालों का जवाब भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आगे आना भविष्य कैसा होगा, कितनी भर्तियां होने वाली हैं और कब कब किस किस एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है। सर, पहले तो स्वागत है आपका एक बार फिर पार्टी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न ये है, देखिए एक विवाद जो मैं बार बार कहता हूँ कि VPDO वीडियो को लेकर हुआ, और उसको लेकर लगातार मेरे पे मैसेज आते हैं कि क्या जांच हुई है, क्या उस पर निर्णय निकला है। सर, उस पर पहले थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या हुआ है सर? अभी तो जांच रिपोर्ट मिली नहीं हम लोगों को, पर मुझे लगता है जल्दी मिल जाएगी। ये भी एक तरह की अभी प्राथमिक जाँच है, और उसमें जो भी बात आएगी उसके आधार पर हम इस परीक्षा का डिसीजन करेंगे। साथ ही अगर कोई चेंजेज हमको अपने व्यवस्था में करने तो वो भी करेंगे। सर, क्या लगता है प्राइम फेसिया जिस तरीके से शिकायतें मिली हैं, गड़बड़ हुई है? प्राइम फेसिया तो हमने भी देखा, उसको थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी दिख रही है, इसी कारण से जांच की बात आई ना। तो जो हमने अपना आकलन किया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी का उसमें संकेत मिल रहा था, इसीलिए हमने उसमें थोड़ा जाँच के तरफ बात बढ़ाई। अदरवाइज हमने तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ी की बात जो है कि वो चिन्हित हो जाए कि कितनी गड़बड़ी है, उसके लिए प्रयास चल रहा है। तो सर, DV अब क्या किस स्टेज पर अभी VPDO की भर्ती है, और क्या DV जिसका हुआ है उस पर भी अभी रोक लगी है या उसके लिए कुछ? उस पर अभी कोई रोक नहीं है, बस रोक केवल ये है कि जांच का हमें प्रतीक्षा है कि अगर कोई गड़बड़ अभ्यर्थी हैं तो वो चिन्हित हो सकें, इस उद्देश्य तो यही है जांच का। तो अगर वो चिन्हित होते हैं तो उनको हम सिस्टम से और सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। सर, कई एग्जाम्स हैं जिनकी एग्जाम्स होने हैं, लैब असिस्टेंट का भी एक सवाल है। सर, ये कब तक होने, एग्जाम कब होगा, क्योंकि लगातार युवा भी जुड़ रहे हैं, सवाल भी उनके हैं। सर, लैब असिस्टेंट का एग्जाम कब होना है? सर, हमने जो है एक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था यहाँ से बच्चों के लिए, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, खासतौर से जो फीडबैक हमें इसमें ग्रेजुएशन VPDO जो आप कह रहे हो ग्रेजुएशन इस तरह के एग्जाम में मिला है, तो हमें भी अपना कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो हम कर रहे हैं। उसके बाद हम जल्दी एक नया शेड्यूल जारी करेंगे एग्जाम्स का, और एक एग्जाम हमने 31 तारीख को रखा है, आप जानते होंगे, मुख्य आरक्षी दूर संचार वाला। लैब असिस्टेंट की आपने जिक्र किया, तो वो शायद अगस्त में होगा, और उसके बाद पुलिस कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम सितंबर में होंगे, और फिर जो रिशेड्यूलिंग होगी वो भी हम जल्दी बच्चों को बताएंगे। सर, एक एग्जाम की कल ही एक कोर्ट का आदेश आया है मुख्य आरक्षी को लेकर, जो रैंकर्स भर्ती थी सर, उसको लेकर सर कोर्ट ने क्या आदेश हुए हैं, अभी तक क्या आदेश कोर्ट से हुआ है? क्योंकि उसमें भी ये बोला गया है कि कुछ लोग वहां पर गए थे, रिटकर्ता गए थे, क्वेश्चंस को लेकर जो विवाद था, क्योंकि ये LT में भी देखा है हमने जिस तरीके से, क्या कहेंगे सर इस पर? हाँ, ये LT का और रैंकर्स का मामला एक ही है लॉ की नज़र में। ये बेसिकली ये था कि जो क्वेश्चन हमने, हमारे विशेषज्ञों ने जो परिवर्तन किया आंसर की में, उसको चैलेंज किया गया बेसिकली। तो वो LT का मामला भी वही है, इसका भी मामला वही है। अब जो हमें मीडिया से पता लगा है, अभी कोर्ट ऑर्डर हमको मिला नहीं है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीडिया से हमको जो पता लगा है वो ये है कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, तो वो पुनर्विचार आयोग में की बैठक में होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पीकिंग ऑर्डर से हम उसको डिस्पोजल करेंगे और उसके बाद परिणाम जारी करेंगे। सर, अभी जैसे SI का फिजिकल की बात हो रही है, लगातार तैयारी लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, SI के लिए बड़े वो हैं, और एक खुशखबरी जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने बताई है, वो थोड़ा सा आप युवाओं को भी बताएं कि SI और रिटर्न, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज अपडेट आप देने वाले हैं, तो जितने युवा हैं ध्यान से सुनिएगा कि SI फिजिकल और रिटर्न कब होने वाला है, कौन से मंथ में होगा, सर उसकी जानकारी दीजिए। जो हमारी प्राथमिक बातचीत हुई है पुलिस विभाग से, क्योंकि फिजिकल उन्होंने कराना है SI का भी, तो वो सितंबर में उसे शुरू कर देंगे फिजिकल को, और 15-20 दिन में वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से पुलिस कांस्टेबल का भी हम सितंबर में
वो कर देंगे, और मुझे लगता है सितंबर में ही बंदी रक्षक जिसकी प्रतीक्षा बच्चे कर रहे हैं वो भी शुरू हो सकता है, उसका फिजिकल भी। तो उसके बाद जैसे फिजिकल होगा और उसका डेटा हमको मिल जाएगा कि कितने लोग मेन के लिए क्वालिफाई किए हैं, उस हिसाब से हम मेंस की तैयारी शीघ्र ही करेंगे। जैसे अभी हमें जुलाई में अभी वैसे कांस्टेबल का डेटा मिला नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दो दिन में मिल जाएगा, उसके हिसाब से हम मेंस की तैयारी सितंबर में कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई का और जो दूसरा एग्जाम हमारा बंदी रक्षक जिसके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं उसको भी उसके बाद सितंबर के बाद जल्दी प्लान करेंगे। हाँ सर, क्योंकि आप कह रहे थे कि एसआई का जो एग्ज़ाम होगा वो भी फिजिकल, जैसे अगर सितंबर में होता है तो साथ साथ एग्ज़ाम उसका रिटर्न भी हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमको डेटा उसका फाइनल मिलेगा, क्योंकि रिटर्न के लिए वो लोग आएंगे जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, तो वो डेटा होना जरूरी है और उनके लिए एडमिट कार्ड भी उन्हीं के लिए इशू होगा जो क्वालिफाई किए। सर कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट हो गया है, मैं आपसे पूछा 746 भर्ती इसका नेक्स्ट सहायक की जो एक आप बात कर रहे थे सर, इसको लेकर क्या होना है, क्योंकि इसको लेकर भी बड़ा इंतजार है। और सर एक सवाल फिर वही आता है कैलेंडर को लेकर, कि जिस तरीके से कैलेंडर है उचित समय पर नहीं हो पा रहा है। सर पहले वो जानूंगा, फिर कई सवाल है सर वो पूछूंगा। नहीं, ये लगभग उचित समय पर है, जो डिफरेंस है केवल एक दो महीने का है, तो वो कभी कभी हो जाता है जैसे परिस्थिति होती है या हमें अपने व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ता है, थोड़ा समय आयोग को भी लगता है, विशेषकर हमारे जो सेवा प्रदाता एजेंसीज हैं उनसे नए एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, उनसे नई नई बातें करनी पड़ती हैं, व्यवस्था थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। तो वो समय भी 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं है, मेरा कहना ये है जो चेंज है वो 2-3 महीने का है, जो भी चेंजेज आएंगे वो 2-3 महीने तक एस्केलेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और पुलिस कांस्टेबल सहित जो बाकी बड़े एग्जाम है जैसे फॉरेस्ट गार्ड का भी हमने शेड्यूल किया था, हाँ। वो भी थोड़ा पीछे करने की बात होगी, लेकिन ये वो बड़ा बड़ा अपडेट है सर, फॉरेस्ट गार्ड का क्या होगा, क्योंकि लगातार फॉरेस्ट गार्ड, हाँ वो भी 2-1 महीने थोड़ा डिले हो सकता है, पर उसका भी हम रिटर्न एग्जाम जल्दी कराएंगे पुलिस कांस्टेबल के बाद, पुलिस कांस्टेबल के बाद। पर ये अपडेट आप सुनिएगा, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर लगातार कई लोग पूछ रहे थे, थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि जांच को लेकर, जो जांच चल रही है उसको लेकर, जब तक जांच नहीं होती तो उसके लिए 1-2 महीना ज्यादा उसका लग सकता है, पर रिटर्न कांस्टेबल के साथ उसका होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है सर। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है ड्राफ्ट्समैन को लेकर, कई सवाल आ रहे हैं कि सर ड्राफ्ट्समैन के लिए कोई अपडेट इस पर आई है, या ड्राफ्ट्समैन का कब पेपर कब होगा, या इस तरीके की? नहीं, मेरे ख्याल से सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन का एक जॉइंट पेपर होना है, वो या तो अगस्त में या सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वीक में अगस्त में। बिल्कुल सर, स्टेनो को लेकर 158 जो भर्ती थे उसकी ज्वाइनिंग कब होनी है, क्योंकि सर इसके लिए भी इंतजार है जो स्टेनो। नहीं, स्टेनो के हमने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है, और मुझे लगता है 20-25 दिन में उनका हम रिकमेंडेशन भी तैयार कर लेंगे और भेज देंगे, उसमें कठिनाई नहीं है। और कनिष्ठ सहायक का आपने पूछा था कि उसका कब होगा, तो कनिष्ठ सहायक या जो क्लरिकल वाला जो पोस्ट हमारा 746 है, उनका हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट लगाना है। अभी हमने एलटी का डेट रखा है जो 28 जुलाई तक चलेगा, जो सहायक अध्यापक वाला अभी माननीय न्यायालय से समाप्त हुआ है मामला, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं 28 जुलाई तक, तो अगस्त के महीने हम ये कनिष्ठ सहायक वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि सर ड्राफ्ट्समैन के लिए आया था कि जुलाई में पेपर होना है। हाँ, तो वो वही वो अगस्त में होगा या सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक वो हो जाएगा, अगस्त या सितंबर फर्स्ट। सर एक सवाल ये भी है कि जो ये एलटी को लेकर एक स्थिति बनी हुई है, जैसे आप कह रहे हैं कि क्वेश्चंस और लॉ के अनुसार वो एक ही एलटी हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, फिजिकल हो गया, और एक आर्ट्स हो गया। सर इसको लेकर, आर्ट्स तो एक अलग मैटर उनका चल रहा है सर, इसमें कारण क्या मानते हैं, क्योंकि सर अब आरोप ये लगते हैं कि एसएसयू यूके ट्रिपल एससी है वो कुछ ढील कर रहा है, बच्चे आरोप लगाते हैं कि अर्जेंसी नहीं लग रही है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे, मुख्य कारण क्या है जो इतना डिले हो गया और कोर्ट में जो ये मामला है बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस पर क्या कहना? मेरा कहना ये है कि जब मामला फाइनल हियरिंग में है, इसके तो कई हियरिंग हो चुके हैं, और एक मामले एक बार तो लगभग ये मामला भी पूरा होने वाला था, लेकिन इंटरवीनर आ जाते हैं, नए इंटरवीनर आ रहे हैं, बच्चे और इंटरवीन कर रहे हैं, नई नई रिट पेश कर रहे हैं, तो उससे ये मामले डिले हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब मामला फाइनल स्टेज में हमने अपना जवाब लगा दिया, गवर्नमेंट ने अपना जवाब लगा दिया, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अब अर्जेंसी की नौबत है, अब तो फिर कोर्ट को एक फाइनल हियरिंग इसमें करने की ज़रूरत है, बाकी मुझे लगता है वो कभी भी हो सकती है। और अभी रैंकर मामले में माननीय न्यायालय का आदेश आया है जो समान विधिक प्रश्न है, तो इसमें भी जल्दी इसका मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा।
बिल्कुल, अभी कई लोग पूछ रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम कब होगा। देखिए शुरुआत में ही सर ने वो बात बता दी है फॉरेस्ट गार्ड का, तो दोबारा जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट सर, इसको लेकर भी प्रश्न है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, कि कब होगा इसका पेपर, कब होना है। और दूसरी चीज इसी के साथ मैं सर पूछ लेता हूँ, जो बच्चे जिनका डीवी हो चुका है वीपीडीओ में वीडियो में, उनकी ज्वाइनिंग कब से होगी, ये प्रश्न भी अहम है सर। क्योंकि एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि धांधली हुई जिसकी आप जांच करवा रहे हैं, पर सर जिन लोगों की डीवी हो चुका है, जो क्लियर और सफल हुए हैं इसमें, जिनमें आपको शक नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग कब होनी है, ये दोनों प्रश्न पड़े। जिनका डीवी हुआ है गड़बड़ी वाले भी उन्हीं में हैं, तो वो अभी चिन्हित होने का ही तो बात, जांच की बात ही वही है कि वो चिन्हित करने हैं, तो इसलिए वो भेजा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो सम्मिलित हैं, अलग नहीं है वो। अलग होते तो फिर कोई कठिनाई नहीं थी, तो वो सम्मिलित हैं और वो जांच चूंकि होनी है तो जांच होने के बाद ही उसको भेजना उचित होगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी एग्जाम में कोई गड़बड़ी होती है तो आयोग को किसी एक परीक्षा या 900 अभ्यर्थियों के लिए नहीं सोचना है, आयोग को लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए कि वो अपनी छवि को या प्रतिष्ठा को और पेपर के शुचिता को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह की जाँच जरूरी है और मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जल्दी सब खत्म होगा, जो जो सही है उनकी नियुक्तियाँ होंगी। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में हमने किया, जो जो गड़बड़ी में पाए गए थे उनको अलग करके हमने रिकमेंडेशन भेजी हैं, तो वही प्रक्रिया इसमें भी हो सकती है। सर असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो मामला है, पेपर कब तक होना है, कब तक होगा सर असिस्टेंट अकाउंटेंट जो सर? हाँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हमने अभी कैंसिल किया है उसमें एक मामला अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसके भी थोड़ा प्रतीक्षा करें। दूसरी बात यह है कि हम, मेरे ख्याल से अगर कोई कठिनाई नहीं हुई या माननीय न्यायालय को कोई निर्देश नहीं आया तो सितंबर या अक्टूबर में इस एग्जाम को कराएंगे। सितंबर या अक्टूबर में सर, ये मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर एग्जाम्स की हम बात करेंगे तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो महीने हैं उसमें लगभग तय माने जा रहे हैं कि एग्जाम्स जो बचे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपने जो तमाम एग्जाम्स के नाम लिए हैं जिसमें आपने अलग अलग पुलिस कांस्टेबल की भी बात की है रिटर्न की, आपने एसआई फिजिकल और रिटर्न की बात की है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड की भी शायद आपने इसमें उल्लेख किया है कि इस दौरान पे ये हो जाना है, तो सर ये अब इसे बिल्कुल एक कंफर्मेशन माने या इसमें थोड़ा भी समय लगेगा कंफर्मेशन के लिए कि इन महीनों में हो जाएगा? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जो इसका कंफर्मेशन है वो मतलब एक प्रस्तावित शेड्यूल हम जल्दी देंगे, क्योंकि अभी हमने 12 एग्जाम का शेड्यूल दिया था, उसमें से लगभग 3 एग्जाम हम पूरे करा चुके हैं, चौथा एग्जाम 31 जुलाई को है, 2 एग्जाम अगस्त में है, फिर बाकी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में है, तो इस तरह वहाँ पर 12 एग्जाम में से अब 9 एग्जाम का शेड्यूल बचा हुआ है, तो उसका हम जल्दी एक टेंटेटिव शेड्यूल देंगे, तो वो भी अक्टूबर तक सब समाप्त हो जाएगा। एक रिजल्ट का बात बच्चे कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं आपसे बात भी हो रहा था, आपने कहा कि एक कल या परसों में शायद उसकी डिटेल आ जाएगी, मैं वो फिजिकल का, हाँ, बंदरों का फिजिकल का आपका, हाँ, उसके लिए हम एक्चुअली उसमें एक कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कुछ जो लोगों को हमने कोर्ट के आदेश से उसमें फिजिकल में प्रवेश दिया था उनका रिजल्ट सील रखा जाए, तो उसी की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद वो फिजिकल एक दो तीन दिन में वो अपलोड हो जाएगा हमारी वेबसाइट। तो सर 2-3 दिन में आ जाएगा। सर एक अहम सवाल ये भी रहेगा, देखिए ये तो बात हुई उन सवालों की जो जो जिसमें परेशानियां थी, जिसमें रुकावटें थी, कुछ ही पोस्टों में कोई कोर्ट में चल रही है, किसी की रिजल्ट अभी तक किसी ना किसी वजह से अटके हुए हैं। सर भविष्य में और क्या है UK SSC की झोली में युवाओं के लिए, और उसके लिए क्या कैलेंडर अभी बनाए गए हैं जिस तरीके से, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, आपने कहा कि 1-2 महीने ज्यादा डिले जरूर हुआ है, पर आगे जो भविष्य में के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से करें, आगे आने वाली क्या क्या भर्तियां होने वाली हैं, किस तरीके से वो जो कैलेंडर आप जारी करेंगे या प्रस्तावित जो भर्तियां हैं आगे आने वाले सालों में या महीनों में क्या क्या होंगी? सर जो भर्तियां हमारी मेरे ख्याल से अगस्त माह से शुरू हो जाएंगी, और जो सामान्य भर्तियां निकलती हैं जैसे कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, व्यक्ति सहायक वगैरह, ये तो उसमें रहेंगी ही, कुछ एक तकनीकी पद भी हैं जो हमें मिले हैं तो उनको भी हम क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है करीब 1,500-2,000 भर्तियां हम अगस्त माह में, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीनों में विज्ञापन के रूप में देंगे। सर और क्या क्या किस तरीके से कुछ फेरबदल होने वाला है या सिलेबस में, या इस तरीके से कुछ चेंजेस होंगे या कुछ चेंजेस करने वाला है आयोग? क्योंकि ये भी मन में सवाल रहता है जो तैयारी कर रहे हैं, किसी ने एग्जाम्स दिए हैं उसका तो डाउट आपने क्लियर किए हैं कि रिजल्ट कब तक आना है, या तमाम सवाल हैं जो उनके मन में रहते हैं जिसको लेकर लोग धरना भी करते हैं, बच्चे धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि सब जल्दी से आ जाए, वीपीडीओ को लेकर लंबी संघर्ष लोग कर रहे हैं। सर क्या कुछ आयोग की तरफ से चेंजेस आगे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, या टेक्निकल में जैसे आप कह रहे हैं कि टेक्निकल एग्जाम्स होंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ चेंजेस किए जाएंगे?
देखिए, जो सिलेबस है वो तो बेसिकली डिपेंड करता है नियमावली बनने पर, जो विभाग बनाते हैं, राज्य सरकार बनाती है, तो वो नियमावली में जो प्रावधान दिया जाता है शैक्षिककर्ता का, उसी के आधार पे हम सिलेबस तैयार करते हैं। कभी कभी इनमें चेंजेज आते हैं, जैसे सहायक लेखाकार का हमने चेंज किया, क्योंकि उसमें BBA नई क्वालिफिकेशन जोड़ गई, पहले केवल BCOM होती थी, तो तब हमने BBA BCOM का एक ज्वाइंट सिलेबस बनाया। तो इसी तरह से सिलेबस चेंज होते हैं। दूसरी बात ये कि परीक्षा व्यवस्था में वो भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये ब्रीच हो रहे हैं, एग्जाम में शुचिता बाधित हो रही है और गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, और उस पर आयोग विचार कर रहा है, काफ़ी उसमें बातचीत चल रही है, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पाठ्यक्रम में कमोवेश परिवर्तन अभी नहीं है, क्योंकि कोई नई नियमावलियों को परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो पाठ्यक्रम पहले रहे हैं, जैसे LT में लगभग वही चल रहा है, मानचित्रकार और सिविल में वही पाठ्यक्रम लगभग चल रहा है, ITI का हमने जो पाठ्यक्रम दिया था वही चल रहा है, तो उनमें उसमें मेजर परिवर्तन नहीं है। हाँ, अगर नियमावली में कोई परिवर्तन आता है शैक्षिककर्ता में, जैसे एक परिवर्तन बड़ा ही आ सकता है कि अब नई शिक्षा नीति लागू बिल्कुल होगी, बिल्कुल उसी के आधार तो पर आप उसके उस वो शिक्षा नीति लागू होगी तो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत बदली भी होंगी, एक सब्जेक्ट ये होगा, दूसरा सब्जेक्ट कहीं और होगा, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज मांगा जा रहा है वो शायद इरेलीवेंट हो जाए, तो तब उनमें वो परिवर्तन आएगा। तो सर इसी को लेकर, क्योंकि नहीं मैं आज एक आदेश भी है कि एक पहला प्रदेश बना है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं लागू हुई है, तो उसको लेकर भी अब आयोग के लिए भी चैलेंज कहीं ना कहीं हो गया है कि जिस तरीके से जब पॉलिसी आएगी धरातल पे उतरेगी किस तरीके से आयोग मैनेज करेगा, किस तरीके से सारी चीज होने वाली है, ये कैसे सर आगे करने। हाँ, तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इस साल से राज्य सरकार ने उसे लागू किया है तो आप ये समझिए कि 3 साल बाद यानी 25 में या 26 में आपके पास एक नई क्वालिफिकेशन वाले बच्चा होगा, तो आप उसको अगर गवर्नमेंट जॉब्स वाले सिस्टम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको अपने सेवा नियमों में परिवर्तन करना होगा। तो वो बेसिकली तो आयोग का मामला नहीं है, वो राज्य सरकार का मामला है, और आयोग यही निवेदन करेगा राज्य सरकार से औपचारिक रूप से भी कि उस पर विचार करें, और अभी से अगर तैयारी करेंगे तो साल भर में वो सब कार्रवाई हो सकती है, और फ्यूचर में उसी के जो नियमावलियां बनेंगी उन्हीं के हिसाब से आयोग भी परिवर्तन कर लेगा। सर फॉरेस्टर का DB होना है, उसको लेकर कोई अपडेट है। नहीं, फॉरेस्टर का DB होगा जब ये एक तो हम जो फिजिकल का डालेंगे इसमें, ठीक है, उसके बाद माननीय जो न्यायालय का निर्णय आया है ठीक अभी है, 15 पदों को रोकने, अब उसके बारे में आयोग निर्णय उसके लेगा, उसके हाँ बाद इसका डॉक्यूमेंट उसके रेडी मतलब होगा। इसमें भी सर एक थोड़ा सा अगर एक हाँ आइडिया हो जाए हाँ कब तक DB का क्योंकि इसके चालू। बाद कनिष्ठ का DB होगा, ठीक है, और उसके बाद अगस्त महीने में या सितंबर में उनका DB होगा। अगस्त या सितंबर, मतलब जी, मान के चलें सितंबर तक ये क्योंकि सब। हमारे पास स्टाफ थोड़ा सीमित रहता है, अगर हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं तो उसको खत्म करके हम दूसरा शुरू करते हैं, तो वो फिर DB अगस्त या सितंबर में इसी हिसाब से लगा। जैसे कनिष्ठ का भी काफ़ी बच्चे हैं, करीब 800 लोगों का हमको DB करना है, तो वो भी 10-12 दिन का काम है, तो इस तरह से एक दो इसमें मेहनत थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी जुलाई तक हमारा यही LT का DB होना है। तो सर ये जो DV और इसकी बात हमने करी, तो ड्राइवर का कोई रिजल्ट्स भी है शायद सर जो ड्राइवर उनके। का अभी हाँ रिजल्ट, अभी एग्जाम हुआ है 12 जून को, और उसमें अभी जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनको निस्तारण की कार्रवाई चल रही है एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनका परिणाम आ जाएगा। सर ये साइबर की जो रिपोर्ट है इसकी, साइबर सेल की जो रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि साइबर सेल में दिए हैं, इसकी रिपोर्ट आनी है, इसमें लगभग कितना और समय, क्योंकि बड़े जो मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कमेंट में पढ़ रहा था, तो उस समय लगातार ये लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि कब आने आएगा साइबर सेल के रिजल्ट, कब आना है, ये सारी चीज़ें कि कब नहीं, रिपोर्ट मुझे लगता आएगी। है थोड़े समय में उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी, जो प्राथमिक रिपोर्ट है, उसके बाद उसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की नौबत आए, अगर सही पाया जाता है तो वो फिर होगा उसके बाद। तो सर ग्रुप सी के लिए कुछ अपडेट होगी, ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर, ग्रुप सी में कुछ भर्तियां आनी है हाँ, जो या जो नई भर्तियां हैं हाँ, वो अगस्त से शुरू होंगी। ग्रुप सी भी बिल्कुल ग्रुप सी उसमें उसमें है, कनिष्ठ सहायक भी है, सहायक लेखाकार भी है, व्यक्तिगत सहायक वगैरह भी है, जो हमारे रूटीन पद हैं वो तो हैं ही, कुछ तकनीकी पद भी होंगे जो हम अगस्त से शुरू करेंगे। सर तकनीकी में क्या क्या चीजें हैं, तकनीकी में जैसे व्यवस्थापक हैं, कहीं पर JEE हैं, तो वो कुछ कुछ पद हमको मिले हैं, हालांकि वो पर्याप्त संख्या नहीं मिलती, इस कारण से हमारा विज्ञापन भी थोड़ा डिले होता है कि आप 10 पद के लिए विज्ञापन करेंगे और उसको 1 लाख लोग भर देंगे तो वो भी उचित नहीं है, तो उस कारण से हम क्लबिंग की कोशिश करते हैं कि क्लब करके एक समुचित विज्ञापन भी हो जाए और समुचित चयन भी हो जाए,
तो एक अच्छा चयन 14 पदों के लिए आप चयन करें और उतना ही पैसा खर्च कर दें, वो एक स्थिति रहती है, उस कारण से थोड़ा सा विलंब होता है। ठीक है, कई लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या भर्तियां होनी है। मैं आपको बता दूं कि जो रूटीन में भर्तियां आती हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक की हो चाहे अन्य भर्तियां हो, वो तो होगी, पर उसके साथ साथ टेक्निकल भर्तियां भी अगस्त से आयोग शुरू करने वाला है। ये एक आपको अपडेट में बता देता हूँ। कई लोगों के सवाल है कि 18 तारीख को सर शायद LT की कुछ डेट वगैरह होगी, हियरिंग होनी है, तो उसमें भी अब कई लोगों के कमेंट आने लगे हैं कि वहां पर LT विषयों में कोर्ट में रोक के लिए उनके आयोग के पक्ष मजबूती के साथ रखें, अब पक्ष को रखें, इस तरीके की बात हो रही है सर 18 तारीख के लिए भी, क्योंकि आप देखिए हियरिंग होगी तो उसमें भी आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, उसको लेकर भी आप कोई संदेश दीजिए। मेरा क्लियर कहना यह है कि जो आयोग की तरफ से जो प्लीडिंग होनी है वो हो चुकी है कोर्ट में, मोर और लेस रिटर्न एफिडेविट हम फाइल कर चुके हैं, ओरल प्लीडिंग भी हुई है और काफ़ी अधिक हुई हैं। वही मेरा कहना है कि एक दिन तो लगभग वो डिसीजन भी हो जाता, लेकिन इंटरव्यूनर आए हैं तो वो उस तरह की परिस्थिति है। और दूसरा बात यह है कि डिसीजन तो माननीय न्यायालय का होना है, तो वो उनका उनका डिस्कशन है वो कब होगा, तो वो उनके विवेक पर है। पर हमारी तरफ से जो कार्रवाई है उन LT वाले मामलों में लगभग पूरी हो चुकी है। सर एक आखिरी सवाल है, हाई कोर्ट क्लरिकल में एक मेल EWS की वेटिंग लिस्ट जो आनी थी, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है, तो उसका उसका क्या होना चाहिए EWS की? ये मैं दिखवाऊंगा, ये चूंकि मेरे ध्यान में नहीं है कि एक EWS की किस सब्जेक्ट में वेटिंग है, तो मैं उसको चेक करवाऊंगा, अगर कोई वेटिंग है तो हम निकालेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि एक संदेश मैं आपसे जरूर लूंगा सर, क्योंकि देखिए धरने चल रहे हैं, आयोग को गालियां आती हैं, संतोष बड़ोनी साहब तो सबसे ज़्यादा टारगेट रहते ही हैं, अगर कोई बात आती है तो सचिव साहब को ही तमाम बातें सुना दी जाती हैं। एक संदेश आपसे लूंगा सर, क्योंकि इस पद पर जहां पर आप हैं, आपको दुनिया की सुननी भी है, अपनी सुनानी भी है, किस तरीके से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? संदेश यही है युवाओं को कि हम भरसक प्रयास ये कर रहे हैं कि हर पारदर्शिता से चयन हो, एक बार अच्छा चयन हो, और जो मेरिट आधारित हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका चयन हो। बहुत सारी गड़बड़ियां करने वाले भी हैं एग्ज़ाम में, और इस तरह की बहुत सारी अफवाहें फैलाने वाले भी हैं, जो बहुत तरह की बातें कहेंगे कि साहब ये गड़बड़ चल रही है आयोग में, ये पैसा चल रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें, अपनी मेहनत करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्शन अच्छा हो, पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो बच्चे जानते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और शुचिता के ऊपर बहुत प्रयास किए हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और आगे भी हम इसको चेंजेस लाकर और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान ना दें, अपनी मेहनत से निकलें, और जो मेहनत करेगा उसको जरूर चयन का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। नई LT की भर्तियां भी आनी है सर अभी, जो आगे भविष्य में? अभी उसमें कोई अधियाचन नहीं है, अभी कोई मांग नहीं है, तो अभी मैं कह नहीं सकता कि आएंगे। ठीक है सर, TG2 का एक मामला है, मैं आखिरी जाते जाते आपसे कह रहा हूं, TG2 का उसको लेकर कुछ है सर, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी के समय में उसके लिए सुना है कि जो सचिव साहब उन्होंने भी उसकी मंजूरी दे दी थी, उसके बाद भी अभी तक 700 जो पद थे वो नहीं हो पाए सर उसके लिए? नहीं, TG2 के जो पद हमें चयन के लिए आए थे उनमें लगभग हम सब में चयन कर चुके हैं, अब केवल कुछ इशू ये है कि उनका वेटिंग के लिए कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो वो रिक्वेस्ट हमको देखना है कि वेटिंग के लिए कुछ राज्य सरकार का नियम है, उसके उसका परीक्षण हम कर रहे हैं, अगर उस नियम के आधार पर हम वेटिंग दे पाए तो हम जल्दी उन्हें वेटिंग देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, और तमाम जो लोग जुड़े हैं मैं आपको बोलूंगा, जो लोग अभी भी जुड़े हैं इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, आपके जितने तमाम सवाल हैं उसके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसे शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक भी जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, भर्तियों का, क्योंकि सारी जानकारी जो अहम जानकारी है वो बड़ोनी साहब ने दे दी है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों तक, उन नौजवानों तक जो इंतजार कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं साइबर रिपोर्ट का, जो इंतजार कर रहे हैं DV का, जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स का, और हम भी लगातार बड़ोनी सर के साथ सवाल करते रहेंगे आगे भी, पर अभी जितनी जानकारी उन्होंने दी है उसके सारी कनिष्ठ सहायक के जो फाइनल रिजल्ट से लेकर तमाम जानकारियां, क्लरिकल का जो रिजल्ट है वो भी बताया है, तो इस पर भी आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ TV।